है गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और मैं अभी सो के उठा था तो अभी गया नहाया और फिर मैं आपके साथ ब्लॉगिंग में जुड़ा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अब जाऊँगा पोहा बनाऊँगा, कि जो कि मेरा फेवरेट है और मेरे से अच्छे से बनता भी है पोहा बनाते, क्योंकि मेरा पोहा पहले से भी स्पेशल था, फेवरेट था और अभी भी है। तो उसको मैंने कई तरीके से सीखा, मम्मी जी ने मुझे उसको बनाना सिखाया, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से मेरे को पोहा बनाते आता है। तो चलते हैं, पोहा बनाते हैं, उसकी रेसिपी आपको बताते हैं किस तरह से बनाया जाता है, क्या कैसे उसमें कौन कौन से चीज़ों के यूज करेंगे और किस किस तरह से हम पोहा को बनाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, चलते हैं और पोहा हम बनाते हैं। तो गाइज, मैं किचन में आ चुका हूँ और हम दिखाते हैं पोहा की रेसिपी, क्या क्या आइटम हम यूज़ कर। हम दो टमाटर लिए और तीन प्याज, तो हम इसको काटते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कैसा आगे का हम क्या क्या यूज़ करेंगे इसमें और मसाले। तो गाइस, आप देख सकते हैं हम टमाटर काट चुके हैं, टमाटर रेडी हो गया कट के। अब हम प्याज काटेंगे, तो स्टार्ट करते हैं प्याज काटना। एक प्याज हमने छील ली है, दूसरी प्याज को हम छीलते हैं। इसी तरह से बारी बारी करके हम सभी प्याजों को काट लेंगे। तो गाइज, अब हम देखिए प्याज को छील लिए हैं और हम इसको कट करेंगे। बारीकी से प्याज को कट करना है पोहे में। तो हम प्याज को कट कर लेते हैं, फिर हम आगे की रेसिपी आपको दिखाते हैं प्याज कट करने के बाद। तो गाइस, प्याज देखिए कट चुकी है और हम अब एक मिर्च इसमें डालेंगे। लगभग पांच लोगों का हमने नाश्ता तैयार करना है, मतलब पोहा हम पांच लोगों के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए मिर्च हम काट लेंगे। मिर्च को सावधानी पूर्वक काटिएगा, जैसे कि आँख वोंख में ना पड़े, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। पोहा बनाते हालांकि सभी लोगों से आता होगा और मेरे से भी आ रहा है, तो वही चीज़ मैं बताता हूँ। तो हम देखिए मिर्च काट लिए। तो देखिए, हमने मूँगफली भी ले लिया है, मूँगफली हमने 1 कप ली है, ताकि थोड़ा सा पर्याप्त मूँगफली रहे तो पोहा थोड़ा टेस्टी रहेगा, तब अच्छा लगेगा खाने में भी। तो चलते हैं और आगे हम मूंगफली को तलते हैं तेल में और कुछ जीरा वगैरह मसाला डालेंगे। तो हम फ्लेम ऑन कर लिए हैं, अब कढ़ाई गर्म होगी, हम इसमें डालेंगे तेल सरसों का वो भी, और फिर इसके बाद हम मूंगफली भूजेंगे और इसके बाद फिर हम प्याज और टमाटर का मिक्सचर तैयार करेंगे कढ़ाई के अंदर। तो देखते हैं आगे। तो हम इसमें सरसों का तेल डाले, वो गर्म हो चुका है, हम मूंगफली तलेंगे। तो मूंगफली हम डाल दिए हैं और इसको हम तल देते हैं, और ये सुनहरा होने तक, ये जब भुन जाए तो इसको हम निकाल लेंगे। मूंगफली देखिए गाइस तल चुकी है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देखिए, इसमें मिर्च और हमने सौंफ लिया है, जिससे कि इसका जो फ्लेवर है और टेस्टी हो जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। इसको हम सुनहरा होने तक भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे टमाटर। प्याज यहाँ पे भुन गई, तो और हम थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल देंगे। और फिर इसके बाद हम हल्दी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि कच्ची हल्दी नहीं रहे, इसमें पक जाती है हल्दी तेल में,
और हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर डाल दिए हैं और इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, और फिर हम आपको दिखाते हैं। और हम इसके बाद अब जाएंगे तो पोहा धुलेंगे। तो हम पोहा को धुल लेंगे पहले, क्योंकि पोहा धुलने के बाद थोड़ा मुलायम हो जाता है और इसकी गंदगी भी निकल जाती है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो पोहा धुलते हैं, इसके बाद हम चलते हैं। तो इसको कढ़ाई में डाल के बनाते हैं। तो देखिए, टमाटर और प्याज मिक्स हो चुका है और इसमें अब हम डाल देंगे पोहा। इस पोहे में अब हम डाल देंगे मूंगफली जो हमने तली थी पहले, और स्वाद अनुसार नमक। सो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं पोहा रेडी हो चुका है और हम चलते इसको सर्व करेंगे और टेस्ट करके हम बताते हैं कैसा बना है आज का पोहा। क्योंकि आज मैं मार्केट साइड नहीं जा पाया कहीं भी, नहीं तो फूड ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियो मैं डाल देता। तो मैं सोचा कि आज क्यों ना पोहा घर में ही बना करके और इसको ही फूड ब्लॉगिंग के ही तौर पर यूज़ किया जाए। तो आप देखिए, और हम इसको बना करके रेडी कर दिए हैं और अब हम इसको सर्व करके फिर आपको हम बताते हैं। तो चलिए हम सर्व करते हैं। तो गाइज, आप देखिए, हमने पोहा सर्व कर दिया है और मैं अब पोहा टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि पोहा कैसा बना है। पोहा में हमने नमकीन भी डाल दिया है, तो पोहा जो है प्रॉपर टेस्टी है, अच्छा है। गाइज, मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल में जो लोग भी नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको कहीं ना कहीं फिर से लेकर चलेंगे। और कल एक अच्छा सा त्यौहार है, कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हम आपको चलेंगे कुछ इंटरेस्टेड चीज़ और कुछ अच्छे अमेजिंग वीडियोज़ आपको हम दिखाएंगे मार्केट में। बाय बाय।